सब्सक्राइब कीजिए और क्लिक कीजिए बेल आइकॉन पर लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। 没想到墙壁后面还藏着一个密室。都有人注意，这块石板上面一定藏着宝物。是啊，有找到什么东西吗？一张带有特殊图案的ID卡，除此之外没什么可疑的。卡特，怎么会是你？我劝你最好不要插手这件事情。威哥当年在我这儿也像你一样这么的固执。 ट्रेलर देखकर तो आप सभी को मज़ा आ ही गया होगा। तो प्ले स्टोर में अगर हम सर्च करते हैं ब्राइट मेमोरी लिखकर, तो यहाँ पर प्री रजिस्टर के लिए अवेलेबल है। अगर आपने प्री रजिस्टर नहीं कर रखा है तो कर लीजिए, और फिर इसके अबाउट में जाके आप इसके देख सकते हैं रिक्वायरमेंट्स, कितना रैम प्रोसेसर होना चाहिए आपके डिवाइस में। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर एंड्रॉयड 9 होना चाहिए और स्नैपड्रैगन का 820 का प्रोसेसर होना चाहिए और रिकमेंडेड है 855। तो यहाँ पर कमाल की बात ये है, मैं आपको स्नैपड्रैगन 636 में दिखाने वाला हूँ इसको चलाकर, और आप भी आराम से चला पाएंगे स्नैपड्रैगन 636 में और उसके प्लस वाले प्रोसेसर में। अगर प्ले स्टोर वाले वर्जन की बात करूँ तो मुझे नहीं पता वो वर्क करेगा कि नहीं, लेकिन चाइना के लिए जो अभी आया है चाइनीज़ लैंग्वेज में, ये रहा आप देख सकते हैं सामने। इसके साइज़ की बात करें तो मैं आपको दिखा देता हूँ, 854 MB साइज है। डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लिंक मिल जाएगी, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो गेम को होने देते हैं इंस्टॉल, जब तक मैं आपको दिखा देता हूँ अपने मोबाइल का रैम प्रोसेसर। यहाँ पे हैंड कैम मैंने इसीलिए किया है जिससे आपको ऐसा ना लगे कि ये फेक वीडियो है और स्नैपड्रैगन 636 में वर्क नहीं करेगा गेम। तो ये आप देख सकते हैं रेडमी नोट 5 प्रो, और प्रोसेसर भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर 660 दिखा रहा है, पता नहीं क्यों। अगर आप इंटरनेट में सर्च करते हैं रेडमी नोट 5 प्रो के बारे में तो स्नैपड्रैगन 636 देखने को मिल जाएगा। तो ये गेम हो चुका है हमारा इंस्टॉल, और इसकी खास बात ये है कि ये बिल्कुल ऑफलाइन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इंटरनेट अपना ऑफ कर दिया है, और प्ले स्टोर की बात करें तो वहाँ पर जब आएगा गेम तब देखना पड़ेगा कि वो ऑनलाइन रहेगा कि ऑफलाइन। तो चलिए इसको प्ले करते हैं, अलाउ कर देंगे सबसे पहले, और फिर यहाँ पे थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ेगा आपको, ब्लैक स्क्रीन आएगी और इसकी बात करूँ तो मैं आपको बता देता हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा था मैं, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में वॉइस में लैग देखने को मिलेगा आपको। अगर बिना स्क्रीन रिकॉर्डिंग के आप खेलते हैं तो बहुत अच्छा गेम चलेगा, ये नहीं कहूँगा मैं। ग्राफिक्स बहुत अच्छी आपको देखने को मिल जाएगी, ग्राफिक्स कैसी मिलेगी ये तो आपको अभी सामने देखने को मिल जाएगा, ये आपके प्रोसेसर के ऊपर है। अगर आपके पास 800 सीरीज़ का प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन का तो आपको मज़ा आ जाएगा गेम खेलने में। और स्नैपड्रैगन 636 की बात करें तो बिना स्क्रीन रिकॉर्डिंग के गेम में आपको एक भी साउंड लैग देखने को नहीं मिलेगा, और गेम आपका लैग भी नहीं करेगा, बस थोड़ी ग्राफिक्स बेकार रहेंगी, बहुत ज़्यादा बेकार भी नहीं। सामने आप देख सकते हैं किस तरह की ग्राफिक्स देखने को मिल रही है स्नैपड्रैगन 636 में। तो चलिए प्ले करते हैं इसको, और उसके पहले यहाँ पे ग्राफिक्स पेज चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है आप देख सकते हैं स्नैपड्रैगन 835 होना चाहिए कम से कम। तो चलिए इसको प्ले करते हैं, यहाँ पर गेम सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर पहले मैं प्ले कर चुका हूँ इसलिए इस तरह पूछ रहा है। तो यहाँ पे न्यू गेम मैंने स्टार्ट किया है, और यहाँ पे ट्यूटोरियल भी आपको देगा, तो मुझे तो अब ये नहीं देने वाला है दोबारा, क्योंकि मैं पहले ही खेल चुका हूँ।
तो यहाँ पर थोड़ी देर ब्लैक स्क्रीन आएगी, तो इंतज़ार करना है और फिर गेम हमारा हो जाएगा ओपन। तो गेम हमारा हो चुका है स्टार्ट। तो आप देखिए पूरा गेम प्ले अगर आप देखना चाहते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। ऐसे ही और गेमिंग से रिलेटेड वीडियोज आप देखना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं आपको फिर से बता देता हूँ, अगर आपके पास अच्छा मोबाइल है तो बढ़िया HD ग्राफिक्स देखने को मिलेगी, एक भी ग्लिच नहीं होगा, लैग नहीं होगा। और यहाँ पे साउंड की जो प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है, अगर आपके इसमें अच्छा प्रोसेसर है तो वो भी देखने को नहीं मिलेगा। और बिना स्क्रीन रिकॉर्डिंग के खेलते हैं तो स्नैपड्रैगन 636 में भी लैग नहीं होगा।我劝你最好不要插手这件事情。维克当年在我这儿